एपिसोड शुरू होते हैं हम देखते हैं यामाटो को जो कि इचिकावा से कह रहा है कि तुम लिंक यूज करते हो, और इचिकावा सोचती है कि वो क्या मेरी मजाक उड़ा रही है, क्योंकि बहुत लोग तो दोस्त के बिना भी ये लिंक को यूज करते हैं। और इचिकावा कहती है कि हाँ मैं थोड़ा सा करता हूँ, और यहाँ पर यामाटो खुश हो जाती है। फिर यामाटो अपनी मोबाइल की तरफ देखती है और बहुत कुछ सोचती है, और यामाटो कहती है ये देखो ये स्टिकर देखने में कितना अच्छा है। और इचिकावा बोलती है इसमें क्या बड़ी बात है, और यामाटो कहते हैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये स्टिकर सेंड कर सकता हूँ, और इसी के बाद नहीं कहती है। और यामाटो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, और यामाटो यह बार फिर से कोशिश करती है और कहती है कि हमारे स्कूल के अंदर कोई भी ग्रुप चैट नहीं है, क्लास भी ये करता है। और इचिकावा कहती है वो लोग अपने ग्रुप को पॉपुलर दिखाने के लिए कोशिश कर रही है, ऐसी कर रही है। और यामाटो कहती है बास्केटबॉल के टीम में भी ऐसा था, और डाटा क्लास प्रोसेसिंग भी एक क्लब है इसके अंदर। और इचिकावा ये सोचती है कि हम लोग इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। और इचिकावा कहती है मुझे ठीक तक पता नहीं, शायद एक हो सकता है पर किसी ने मुझे इन्वाइट नहीं किया था। और यामाटो बोलते तो फिर हमें पूछना चाहिए, और इचिकावा बोलते नहीं। और ऐसे में यामाटो इचिकावा के बहुत ज़्यादा पास चली आती है, और इचिकावा यहाँ पर कहता है कि उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाऊँ। और यामाटो एक जगह पर चुपचाप बैठ जाती है, और इचिकावा यह बस सोचती है कि यामाटो को यह बात पता है कि ग्रुप से निकल जाने के बाद कितना दर्द होता है। फिर देखते हैं क्लास के अंदर यामाटो का दोस्त कहता है कि मैं क्रिसमस से पहले बॉयफ्रेंड के लिए क्या करूँगा, और उसके बगैर सब लोग फ़ोन में व्यस्त होते हैं। और वो कहता है कि कोई तो मुझे बताओ ये इसमें कितना मज़ा है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। एक और दोस्त कहती है किस तरह की काम, ऐसे में उसकी दोस्त बोलती है कि जितने भी क्लास के लड़के उसके साथ लिंक को शेयर करना, और उसके दोस्त कहते हैं हाँ इसमें अच्छी बात है तो फिर गुड लक। यामाटो यह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और इचिकावा ये सुनता है और मन ही मन सोचता है कि हाँ यामाटो के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यामाटो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और बाद में देखते हैं यामाटो एक चेयर उठाती है और फिर इचिकावा के सामने बैठ जाती है, और बीच में यामाटो की दोस्त आती है, कहती है रुको 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 ये करने से पहले हमें बताता दो तुम्हें किसके साथ लिंक शेयर करना है। और यामाटो कहती है मुझे लगा कि मैं सबके साथ लिंक शेयर करने वाला हूँ, और उसके दोस्त बोलती है हाँ तो फिर ठीक है। और फिर वही लड़की इचिकावा से अपनी लिंक मांगती है, और यहाँ पर यामाटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और ऐसे में वो दोनों लिंक शेयर करते हैं और यामाटो बस देखते रहता है। जो काम यामाटो ने नहीं कर पाई वो काम उसका दोस्त कर दिखाया, और फाइनली उसके दोस्त को इचिकावा का लिंक मिल जाता है। और ऐसे में उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है, और इचिकावा बहुत कुछ सोच रहा होता है। फिर इचिकावा यामाटो की तरफ देखती है और देखते हैं कि यामाटो बहुत ज्यादा गुस्से में है, और इचिकावा ये सोचता है कि मैंने क्या किया है। तब यामाटो की दोस्त बोलते हैं तुम्हें हाई लेवल के लड़के के साथ लिंक शेयर करना चाहिए, तो फिर आप समझ में आया उसका दोस्त यामाटो को क्यों रुक रहा था। और ऐसे में वो दोनों चले जाते हैं, और यामाटो बोलते हैं हाई लेवल का मतलब क्या है, और उसका दोस्त बोलते हैं जैसे कि इशिमुरो है। और बाद में इचिकावा इशिमुरो को याद करता है, और उसके दोस्त बोलते हैं जाओ उसके पास, और यहाँ पर बस तुम ही हो जो कि आईडी चाहते हो। बाद में हम देखते हैं वो लड़का और यामाटो एक ही बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, और उसके दोस्त बोलते हैं तो फिर तुम दोनों बहुत ज्यादा करीब हो। तो यामाटो इचिकावा की तरफ देखती है और बोलती है हाँ, और यामाटो असल में यहाँ पर यामाटो इचिकावा को चिढ़ा रही होती है, जब हम दोनों एक साथ मिलते हैं तब बात करते हैं, और इचिकावा यही सोचती है कि हाँ वो दोनों एक ही बिल्डिंग के अंदर है। और उसके दोस्त बोलते तो फिर तुम तैयार हो उसके लिंक को लेने के लिए, और उसकी दोस्त यामाटो को उसकी तरफ भेज देती है, और इचिकावा चुपचाप बस बैठी रहती है। और यामाटो ये देखती है और उसके लड़के के साथ लिंक लेने के लिए पूछती है, और इचिकावा ये सोचता है कि मैं उसे कैसे रोकूं। और इचिकावा ये सुनता है कि यामाटो ने उस लड़के से उसके लिंक के बारे में पूछ लिया, और इचिकावा को याद आता है कि लाइब्रेरी के अंदर भी यामाटो ने उसे पूछा था लिंक के बारे में, और इचिकावा को अब समझ में आता है कि वो लिंक लेने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में जोर से चिल्लाती है और यामाटो देखती है, ऐसे में यामाटो को पता चल जाती है कि हाँ उसे रोकने जाती है, और उसके दोस्त बोलते ये बच्चा अजीब है, और यामाटो उस लड़के से माफी मांगती है। और इचिकावा बैठती है और सोचती है कि हाँ अगली बार मुझसे जरूर पूछूंगा, और कहता है कि हाँ हाँ मैं जरूर करूंगा। फिर इचिकावा का दोस्त आती है और इचिकावा बोलती है आई डू, और इचिकावा बहुत शर्मा जाती है, और उसकी दोस्त बोलती है तुम अपनी बहन को डेट करने की कोशिश कर रही हो। इचिकावा बहुत शर्मा जाती है। और फिर रात होती है, हम देखते हैं इचिकावा उस बुक को पढ़ रही है जिस बुक को यामाटो ने दिया था, और सोचता है यामाटो मेरे साथ लाइन लेने की सोच रहा था। वैसे भी उसके पास बहुत सारे दोस्त है, क्योंकि लिंक लेना उतने भी बड़ी बात नहीं है उसके लिए। और ऐसे में वो सोचता है कि यामाटो को किस तरह के लड़के पसंद है, और उस बुक को देखता है और कहता है कि हाँ जो कि देखने में अच्छा हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता हो। उस बुक को ये देख कर सोचता है, और इचिकावा गुस्से में उस बुक को फेंक देता है और कहता है ऐसा लड़का वास्तव में बिल्कुल भी नहीं है। इचिकावा कहती है शांत हो जाओ। फिर वो बुक को देखती है और फिर से पढ़ना शुरू कर देती है, और वो अपने एक बुक की लाइन होती है जहाँ पर कहता है कि तुम हमेशा ऐसे ही फंसे रहते हो मेरे लिए। और इचिकावा ये सोचता है ये उदास लड़का क्या सोच रहा है, अगर ये कैसा होगा कि ये गलत है। तो फिर देखते हैं उस बुक के अंदर जो कैरेक्टर और लड़की है वो दोनों लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो भी ऐसे में इचिकावा ये सोचता है।
और भी बहुत सारे सोचता है, जैसे उसके साथ फोटो खींचता है, लिफ्ट के अंदर के सीन सोचता है, ट्रेन के अंदर की सोचता है। सच में इचिकाबा की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और इचिकाबा कहता है कि रुक जाओ मेरी सब कुछ गलत है, और फिर से उस बुक को पढ़ती है जहाँ पर लिखा होता है आई नेवर सेड आई डिड नॉट। फिर इचिकाबा स्कूल आता है और देखता है यमाडा के साथ वो लड़का है, और ये लड़का कौन है तुम लोगों को पता है? फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये लड़का वही है जिसने इचिकाबा का साइकिल उठाया था तालाब से। फिर देखते हैं उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है, और लड़का कहता है यमाडा को कि कभी मेरे साथ आना और किसी और जगह पर जाएंगे। और इचिकाबा ये मन से कहता है कि अरे यार अपने तू क्या कर रहा है, और यमाडा की दोस्त बोलती है यमाडा बस हमारे साथ खेलती है। और इचिकाबा मन ही सोचता है कि हाँ कोबड़ा सी तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो। और यमाडा की दोस्त बोलती है फिर से ये लड़का, और देखता है कि उसके पास एक गर्लफ्रेंड भी है, अगर ऐसा होता तो फिर वो यमाडा का पीछा ऐसा नहीं करता। और उसकी दोस्त बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, तुम इस चीज के बारे में बहुत कुछ जानते हो अच्छी तरह से। और लड़का कोबड़ेशी को बोलता है कि हाँ तुम भी आ सकते हो। लड़का यहाँ पर कोबड़ेशी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और इचिकाबा ये देखता है कहता है क्या ये क्या बिलीव कर गया ये बात, वो लड़का बस यमाडा की परवाह करता है और ये सब कुछ इचिकाबा सोच रहा होता है। और यहाँ पर कोबड़ेशी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो भी जाती है, ऐसे में वो कहती है कि हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और इचिकाबा कहता है ये क्या बकवास है, और यमाडा की दो दोस्त भी हैरान हो जाती है ये बात सुन के। लड़का कहता है अगर तुम फ्री हो तो फिर यमाडा को लेके आना। और इचिकाबा बैठता है और सोचता है कि ये बिल्कुल भी बुरी बात है, ये बिल्कुल बुरा हुआ। फिर यहाँ पर कोबड़ेशी आती है यमाडा के पास, और कोबड़ेशी बोलती है तुम्हारे मुंह को देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपसेट हो। और यमाडा बोलती है तुमने नहीं सुना कि मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पर। और कोबड़ेशी बोलती है तो फिर ठीक है, तो फिर मैं किसी और को इन्वाइट कर दूंगा। फिर से यमाडा उसे बोलती है कि तुम फिर से जाओगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और यहाँ पर कोबड़ेशी बिल्कुल भी नहीं मानती है यमाडा की बात। और इचिकाबा यहाँ पर सोचता है कि हाँ यमाडा को ये बात पता है वो ऐसा क्यों करे वो लड़का ऐसा। और यमाडा बोलती है मेरा कहना ये है कि उसके पास सब कुछ है। और कोबड़ेशी यमाडा को बोलती है कि वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, तुम बस उसके बारे में बुरा वाला सोच रहे हो। और यमाडा यहाँ पर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। फिर देखते हैं लाइब्रेरी में इचिकाबा एक जगह खड़ा होता है, और यमाडा यहाँ पर रो रही होती है। फिर यमाडा ये नोटिस करती है कि इचिकाबा आई है, तो फिर वो उसे बोलता है क्या हुआ है। और ऐसे में इचिकाबा अंदर घुस जाती है, और यमाडा बोलती है कि तुम्हें गेम पसंद है वीडियो गेम खेलना, और इचिकाबा कहता है कि हाँ मुझे बस छोटा सा मोटा सा गेम खेलना पसंद है। फिर वो अपने बचपन के कुछ बातें को याद करता है, यहाँ पर वो और उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, और सिर पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। और यमाडा इचिकाबा बोलती है कि मेरे डैड गेम खेलते, तो फिर मेरे घर के अंदर बहुत कुछ है जैसे प्ले स्टेशन पीसी बहुत कुछ। ऐसे में वो लड़की आती है जिस लड़के के पास वो खड़े थे, ऐसे में वो दो लड़की अंदर आती है और इचिकाबा वहाँ से चला जाता है। फिर उन लोगों के बीच छोटी सी बातें होती है, और वो लड़की और एक लड़की कहती है तुम्हें देखने में ऐसा लगेगा तुम्हें पास पहले से एक बॉयफ्रेंड है। और यमाडा बोलती है बिल्कुल भी नहीं। तो यमाडा ये नोटिस करती है कि इचिकाबा ये सुन रही है, तो फिर वो और जोर से बोलती है कि मुझे मेरे पास वास्तव में एक भी नहीं है। और यही बात इचिकाबा की तरफ क्या क्या कहती है, और वो लड़की कुछ समझ लेती है, दो लड़की वहाँ से चली जाती है। और यमाडा इचिकाबा की तरफ पास आती है, और इचिकाबा कहती है कि जब लोग कोई आसपास रहे तो फिर मेरे पास मत आओ। और ऐसे में वो लड़की उस लड़के को लेके आती है, और इचिकाबा यमाडा देख लेती है वो चीज, और यमाडा इचिकाबा को पकड़ लेती है और ऐसे रिएक्ट कर रही है मानो वो दोनों किस कर रहे होते हैं। और इसी सीन को वो लड़का देख रहा होता है, और इचिकाबा ये नोटिस करता है कि हाँ वो लड़का देख रहा होता है ये। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है, फिर यमाडा सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और इचिकाबा ये सोचता है ये सब कुछ क्या था। फिर इचिकाबा ये सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, अगर हम लोग इतने करीब रहेंगे तो फिर लोग हमारे बारे में बहुत बुरा भला कहेंगे। फिर इचिकाबा ये देखती है यमाडा के तीन दोस्त एक जगह पर बैठे होते हैं, और वहाँ पर कोबड़ेशी भी होती है। और वो लड़की कोबड़ेशी को ये समझाने की कोशिश करती है कि वो लड़का बस यमाडा की कड़ी मारने की कोशिश कर रही है, वो बस तुम्हें यूज कर रही है। और कोबड़ेशी बोलते है क्या, और उसकी दोस्त बोलती है वो लड़का बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और फिर देखते हैं कोबड़ेशी यहाँ पर बहुत ही शर्मा जाती है, वो कहती है कि हाँ मुझे पता था वो लड़का ऐसा है। हाँ सच में यहाँ पर कोबड़ेशी बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है। फिर से इचिकाबा यमाडा को देखती है। फिर क्लास खत्म हो जाता है, और देखते हैं यमाडा बैग पैक कर रही है, और कोबड़ेशी उसके पास आती है। और यहाँ पर यमाडा बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं देती कोबड़ेशी की कुछ भी बात के लिए। ऐसे में कोबड़ेशी यमाडा को बेवकूफ कहती है, और उन दोनों के बीच कुछ भागीदारी होती है, और यमाडा उसे पकड़ लेती है। एंड फाइनली कोबड़ेशी यमाडा को बोल देती है कि हाँ मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। ये बात सुन के यमाडा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और ये सब कुछ इचिकाबा देख रही होती है। फिर इचिकाबा ये नोटिस करती है वो लड़का भी ये सब कुछ देख रहा होता है, तो लड़का इचिकाबा देखता है और वहाँ से चला जाता है। और इचिकाबा ये सोचता है कि वो लड़का ये सोच रहा है कि हम दोनों मैं यमाडा को पसंद करता हूँ। और फिर से देखते हैं इचिकाबा यहाँ पर उस बुक को पढ़ रही होती है, और ऐसे में इचिकाबा ये बहुत कुछ सोचता है कि हाँ वो ये सब कुछ उस बातें को सोचता है जिस बातें को कोबड़ेशी को समझने के लिए उसके दोस्त ने कहा था कि तुम्हें वो यूज़ कर रहा है, ऐसे ही बहुत कुछ सोचता है। लाइब्रेरी की बात को भी सोचता है,
और इचिकावा ये सोचता है कि यमाडो उस मुझे बस यूज कर रही है। और इचिकावा बहुत कुछ सोचती है और कहती है कि अब सोचती है कि हाँ वो बस मुझे यूज कर रही है। अरे गधे तुम क्या सोच रहे हो तुम, अरे इचिकावा कितना बुरा वाला सोच रहा है यमाडो के बारे में। और ऐसे में इचिकावा पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि हाँ यमाडा बस उसे यूज कर रही है। अगले दिन इचिकावा एक जगह बैठी होती है और यमाडा आती है और यमाडा सबको गुड मॉर्निंग बोल रही होती है और इचिकावा को कहती है। और इचिकावा यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होती। और उसके बाद से इचिकावा बिल्कुल भी लाइब्रेरी नहीं गई है, तो एक भी दिन नहीं गई है। पर कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल भी फर्क नहीं करता किसी के बारे में। ऐसे में हम लोग देख सकते हैं यमाडा बहुत ज्यादा उदास होती है और यमाडा इचिकावा के साथ बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, तो फिर इसीलिए उसके पीछे करना शुरू कर दिया इचिकावा। और इचिकावा भागने की कोशिश करती है और यमाडा भी पीछे पीछे आती होती है। पर ऐसे में यमाडा उसे पकड़ लेती है इचिकावा को और इचिकावा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यमाडा बोलती है तुम क्यों मेरे ऊपर गुस्सा हो और पर क्यों हो। पर वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो फिर इसीलिए यमाडा उससे पास हट जाती है क्योंकि मैं हमेशा इतना गरीब हूँ। और यहाँ पर इचिकावा बिल्कुल भी ना कहती है। फिर इचिकावा यहाँ पर गुस्सा होकर करती है, बोलती है कि हाँ मैं ऐसे जा रहा हूँ। और यहाँ पर यमाडा उससे माफी मांगती है और रोना शुरू कर देती है और इचिकावा ये देख रही होती है। और बाद में इचिकावा को ये ख्याल आता है कि हाँ यमाडा बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। और ऐसे में यमाडा के हाथ से वो कपड़ा नीचे गिर जाता है और ऐसे में अपनी बहन के बारे में बहुत कुछ सोचती है। जब वो गेम के अंदर था अपने दोस्त के बारे में बहुत कुछ सोचती है। और इचिकावा ऐसे में उससे कुछ बहाना करती है कुछ बोलने के लिए। और ऐसे में यमाडा बोलती है तुम मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं हो बिल्कुल भी। और इचिकावा बोलती है बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर यमाडा उसे हक कर लेती है और यमाडा बोलती है मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम क्लोज रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। और इचिकावा उसके हाथ को पकड़ती है और बोलती है मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। और ऐसे में यमाडा बहुत खुश हो जाती है और बोलने की जरूरत नहीं है पर क्या हो रहा है तुम लोग देख सकते हो। ऐसे में यमाडा बोलती है चलो एक साथ घर चलते हैं। और ऐसे ही बातें करते हुए घर जाती है वो दोनों एक साथ। और उसी के बीच इचिकावा उस बुक को देती है जिस बुक को यमाडा ने दिया था और कहता है कि हाँ मैंने इसे पूरा पढ़ लिया है। ऐसे में यमाडा बोलती है इस बुक में कौन सा लाइन्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इचिकावा कहता है जब वो दोनों अपने नोटबुक में एक ही बात लिखते हैं। और यमाडा यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है हाँ मुझे भी पसंद है। और फिर से सुबह होती है, फिर से हम क्लास के अंदर देखते हैं यमाडा का दोस्त कहता है बिल्कुल भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं और कोई भी नहीं। और यमाडा उससे माफी मांगती है, बोलती है कि मैं अगला चैप्टर लेकर आना भूल गया था मुझे माफ कर दो। और ऐसे में इचिकावा बोलती है ऐसे कोई बात नहीं है। और यमाडा बोलती है टुमारो को जरूर मैं लेकर आऊंगा। और इसी के बीच यमाडा कोशिश करती है उसे बोलने की हम लोग किसी और जगह पर मिल सकते हैं। और इचिकावा बोलता है वास्तव में तुम्हें ऐसा नहीं करना है। और यमाडा बोलती है नहीं मुझे करना है। बाद में देखते हैं यमाडा का दोस्त यमाडा को पुकार रहा होता है और यमाडा बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ। और इसी के बीच यमाडा उससे पूछ लेती है तुम अपना लिंक दो मुझे। और इचिकावा यहाँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है ठीक है भाई, खुशी देख रहे हो उसके मुंह पे। और ऐसे में फाइनली वो दोनों अपने लिंक को शेयर कर लेते हैं। और ऐसे में हम लोग बाद में देखते हैं यमाडा अपनी चैटिंग को देख रही होती है जो कि इच के साथ होती है। और यमाडा यहाँ पर हंसती हुए उसे फाइनली मैसेज करती है गुड नाइट। और यही पर ये एपिसोड खत्म होता है।